से बेटा, इसे गुस्सा करने से तो सब और खराब ही होगा ना। और अगर सुशील यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा तो है। अगर हमने दरवाजा खोलते और सुशील को कुछ हो जाता तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते ना। नहीं माँ, मेरी गलती है, मुझे दादी पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। पार्टी दीदी ने कहा था मुझे, दादी की कभी इंटेंशन ही नहीं थी सुशील को छोड़ने की। सॉरी फाइटर दी। फाइटर दी, फाइटर दी कहाँ गई? यही तो। फाइटर दी कहाँ है? फाइटर दी, फाइटर दी, फाइटर दी। ओह नो, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इनके घर पे तो कभी लॉक नहीं लगता ऐसे। अरे कोई है अंदर? पाटी दी, क्या करें सत्या, फाइटर दीदी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ। पुलिस कंप्लेंट कर। नहीं नहीं जन्नू, नहीं नहीं जन्नू, प्रॉब्लम हो जाएगी। सुशील अभी भी उन्हीं के पास है। मैं बाहर देख कर आता हूँ, क्या पता फाइटर दीदी आ गई। क्या हुआ था? कहाँ थी आप? सुशील या दादी का कुछ पता चला? नहीं, दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। दोनों का नामो निशान तक नहीं है कहीं। पता नहीं लीला आज मेरा सुशील को लेकर कहाँ चली गई। माँ जी का फोन। उठाओ, जल्दी उठाओ। ए डॉक्टरनी, अरे मैंने तो वो सुशील को तुम्हारे हाथों मारने का प्लान बनाया था। भागने की कोशिश करने लगी, ले आई अपने इस आलीशान नए दिल में। बस कीजिए माँ जी, अब तो बता दीजिए सुशील कहाँ है, उसे छोड़ दीजिए। कब तक भागती रहेंगी आप? सवाल सवाल सवाल, तू बस सवाल ही करती रहना। ए मारे सत्य, ये लीलाज मेरा, चुप कर तू। सवाल और गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। सवाल इसीलिए कि ये कैसे हुआ, और गिड़गिड़ाना इसीलिए कि जो हुआ है और जो होने वाला है ना, उसके बाद गिड़गिड़ाने के अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुझे क्या रहता है कि तू भागती रहेगी और हम सब यहाँ बैठ के तेरे इशारों पर नाचते रहेंगे? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। जहाँ भी है ना, हम तुझ तक पहुँच के रहेंगे, और अगर नहीं पहुँच पाए ना तो मैं पुलिस को तो पहुँचा कर ही रहूंगी। इतनी आग, इतना गुस्सा, अरे को तो डर लग रहा है तारे से। इतना गुस्सा तो ये हमारी बेचारी सुशील भी नहीं करती है। क्या हुआ, तुम्हारे को पुलिस तक पहुंचाना चाहती है ना, उसके हवाले करना चाहती है, तो कर दे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कहेगी तू? पुलिस तो ये जानती है ना कि ये सुशील लीला अजमेरा का खून करके फरार हो गई है। उसे कैसे पता चलेगा कि लीला अजमेरा अभी भी जिंदा है? मेरा फोन डाली। बार बार जो तू हमें डरा रही है ना। चांपली नाम तूने मेरा ऐसे ही नहीं रखा होगा, कोई तो चलाकी देखी होगी ना मेरे अंदर, जो मेरा नाम चांपली रख दिया। मेरा ये फोन जो तूने अपने सेफ में रखवाया था ना, इसमें ये सब रिकॉर्डिंग है। सुन और देख, जहां से भी तू देख रही है। इतनी आग, इतना गुस्सा, अरे तू तो डर लग रहा है तारे से। लीला अजमेरा,
अब तू गई। भाभी 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 अभी एक सेकंड भाभी। हाँ सही बोला हमारा सत्य। सुशील के लिए रोका ना तूने? हाँ भाभी सुशील अभी भी उन्हीं के पास है। उसका क्या? तुझे क्या लग रहा है तू पुलिस में जाकर हमारी शिकायत करेगी और मैं यहाँ पर ये सुशील के साथ बैठ के आम पापड़ खाऊंगी? ए बुड्ढन अगर तुझे सुशील को मारना होता ना तो तू बहुत पहले मार चुकी होती। आप सब सोचो ये हमारे साथ कब से खेल खेल रही है। कभी कुछ कभी कुछ बार बार सुशील को मारने की बस धमकी देती और हम सब डर जाते। अगर इन्हें सुशील को मारना ही होता तो ऐसी खोखली धमकियां नहीं दे रही होती बस। और वैसे भी लीला अजमेरा तेरे बस की नहीं है कि तू सुशील को कुछ भी कर सके। I'm sure, वहां पे भी सुशील ने ना तेरी पापा टाइट कर रखी होगी क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। नहीं कुछ को हम ये चांस नहीं ले सकते। आखिर वो इसी डर का फायदा उठा रही है। उनको भी इस बात का डर है कि अगर उन्होंने सुशील को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो उनकी भी पोल खुल जाएगी ना। लीला अजमेरा जो मर चुकी है वो वापस कैसे आ गई? इसीलिए वो हमारे साथ ये गेम खेले जा रही जो कभी खत्म नहीं होगा लेकिन आज मैं खत्म करके रहूंगी। सुशील को कहाँ चली गई वो? ये सब कैसे और कब तक छुपाऊंगा? कल बापू भी वापस आ जाएंगे। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मरी सुशील के बारे में पर मैं जानता हूं तूने कुछ गलत नहीं किया। जाकर इस सत्या से पूछता हूं। मेहुल इतनी गर्मी मत आने ठंडी लागे से शू करे से सरप्राइज। वैसे तो हम लोग कल आने वाले थे मगर फिर मैं ना तीर्थ में दादाजी के साथ बहुत बोर हो रहा था तो सोचा एक दिन पहले ही आ जाता। पर आपको क्या हो गया? आग क्यों लगाई हुई है आपने? बापूजी के आने के पहले इसे जलाना जरूरी था। अच्छा अच्छा किया। कुछ नहीं वो कैसा है तू शिवम? बापू आप कैसे हो? सब ठीक रहा ना? बैठिए। आपको क्या? तो सब ठीक था लेकिन
तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे क्या हुआ तुझे? जवाब क्यों नहीं देता? और ये कब क्या जलाया तूने? नहीं नहीं वो आप अचानक आ गए ना, मैं थोड़ा चौंक गया। और आप ही ने कहा ना गर्मी है, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही तो ये पसीना इसलिए आ रहा है। तूफान भी आया था। और अरे बस ये सब छोड़ दे, ये सब मैं कर लूंगा। अरे पहले मुझे सुशील से मिलना है, सुशील को आशीर्वाद देना है। अरे कितना नाम रोशन किया उसने मेरा, मेरे खानदान का, मेरे खानदान की 51वीं औलाद है, मेरा शगुन है वो। हमेशा सोचता था मैं कि ये लड़की कुछ नहीं करेगी, खानदान का नाम बदनाम करेगी, लेकिन इसने तो मेरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। हाँ और देख वहां जब मैं तीर्थ में गया था ना, मैंने लोगों को बोला कि सुशील मेरी पोती है। अरे उसके जो फोटो अखबार में छपा मैंने लोगों को दिखाया। हाँ फूफा जी, हम लोग जहाँ पे जा रहे थे ना वहाँ सुशील की फोटोज थी। सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरी इंडिया में फेमस हो गई है हमारी सुशील। जहाँ पे भी गए वहाँ चैंपियन 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 के पोस्टर लगे हुए थे। तू रो क्यों रहा है? माना कि मैंने उसे हमेशा सुशील नहीं बोला, तारी टिकरी के नाम से बुलाया, लेकिन अब तो उसे सुशील कहता हूँ। इसलिए नहीं कि आज उसका नाम हो गया है, बहुत बड़ी कुश्ती चैंपियन बन गई है, इसलिए कि उसने अपने दादा को इस उम्र में सिखाया कि कड़वाहट रख के जिंदा रहा जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता। इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बस कीजिए फूफा जी, आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज और मत रोइए प्लीज। अरे रोने दे शिवम, इसे रोने दे। आज एक बाप अपनी बेटी के लिए नहीं रो रहा है, बल्कि एक बेटा अपने बाप के लिए रो रहा है कि इसने इतनी उम्र में उसके बाप ने क्या सीखा। रिक, रिक मुश्किल है, क्या लाया हूँ इसमें है? अरे नहीं दादाजी, इसमें बैग में, बैग में, एक मिनट एक मिनट। हे हे कृष्ण जी की मूर्ति, हे मारा मुरली मनोहर। अरे कैसे नकल उतरती थी हमारी बचपन में, याद है? ये क्या है फूफा जी? सुशील, ये सब क्या है? अरे सुशील को, अरे क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? अरे बोल फूफा जी, ये क्या है? सुशील वांटेड खून की। नहीं माँ, बात करनी पड़ेगी। सत्या प्लीज। भाभी दिमाग खराब हो गया आपका? ये क्या किया आपने? क्यों किया? मार दी ना दादी ने सुशील को गोली। I'm sorry सत्या, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है। तू भी वीक पड़ गया है। दादी जो जो बोल रही है तू बस वही करे जा रहा है। तेरे कहने का क्या मतलब है कुछ? काकी आई एम 100% श्योर कि उन्होंने सुशील को मारा ही नहीं होगा। अच्छा, अपनी गलती को छुपाने के लिए ना आप कुछ भी मत बोलो प्लीज। अरे थोड़ा सा तो दिमाग यूज करो यार। दिमाग तू यूज कर सत्या। अगर उन्हें सुशील के साथ कुछ करना ही होता तो वो उसे बहुत पहले मार चुकी होती। उन्हें भी पता है कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो खुद नहीं बचेंगी। इसीलिए मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी। How can you be so spineless? मैं spineless हूँ? हाँ मैं spineless हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ मेरी सुशील के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपना बेकार सा दिमाग यूज करके सब कुछ खराब कर दिया। कर दिया मैंने खराब? मुझे भी डर लग रहा है कि अगर उन्होंने सुशील के साथ कुछ भी कर दिया होगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि सुशील को कुछ भी हुआ होगा वो ठीक होगी। सीजल तू इतना इंपल्सिव क्यों बिहेव कर रही है बेटा? इतने टाइम से हम पेशेंस रखते हुए आए तो अब क्यों अपना पेशेंस खो सकती है? मैं पेशेंस नहीं खो रही हूँ काकी। सत्या, सुशील कहती थी ना कि जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है और वो कभी रॉन्ग नहीं होने देती। मैं बस वही कर रही हूँ। दादी जो कर रही है वो रॉन्ग है और वो जो जो बोले जा रही है हम सब वही करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। अरे कुछ नहीं सोच रहा है मुझे,
मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी सुशील के बारे में सोचना है, वो क्या कर रही है क्या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ना मैं वीक पड़ रहा हूँ तो ठीक है, आज से आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप हैंडल कर लूंगा। प्लीज तुझे जो बोलना है ना तो वो बोल। अगर दादी ने सुशील को सच में मार दिया होगा ना तो चाहे पुलिस उन्हें पकड़े या ना पकड़े, मैं जाकर कन्फेस कर दूंगी कि सुशील मेरी वजह से मरी है। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना तो याद रखना सत्या, ये सब हमको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो, बस करो, तुम दोनों ऐसे बच्चों की तरह आर्ग्यू कर रहे, इसे सब थोड़ा दिमाग से सोचो। अगर ऐसे आपस में लड़ते रहे तो हम ना सुशील को बचा पाएंगे और ना ही माँ जी का पता लगा पाएंगे। अगर सच में सुशील को गोली लगी तो हमें तो और जल्दी पता लगाना होगा ना कि माँ जी कहाँ। अब प्लीज प्रे करो कि सुशील को कुछ ना हो। कहाँ गई होगी सुशील? लीला के तहखाने के दो कमरे थे, एक लीला के कमरे में खुलता था और दूसरा सत्या के कमरे में। अगर लीला पीछे के दरवाजे से भागी तो सुशील भी पीछे के दरवाजे से ही भागी होगी, लेकिन ऐसा तो कोई भी क्लू नहीं मिला। कहाँ जा सकती है वो? अभी सुनो मेरी बात भाभी, आप कहीं नहीं जाओगे। कोई कुछ भी बोले जा रहा है लेकिन मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाओगे भाभी, सुशील अभी भी दादी के पास है भाभी। सत्या प्लीज मुझे रोकने की कोशिश। भाभी मेरी बात सुनो भाभी, अभी मेरी बात सुनो भाभी, मेरी बात सुनो। काट दी, रोकना भाभी को, काट दी। क्या कर रहे हो भाभी आप? सुशील की शर्ट मिल गई। सुशील की शर्ट, कोई की शर्ट। ये सुशील की शर्ट, सुशील की शर्ट। ओह नो नो, ये सुशील, सुशील। मैंने दरवाजा खोल तो बाहर, ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। मार दिया दादी ने सुशील को, आपको पुलिस में कंप्लेंट के लिए ना जाम कर दो, कंप्लेंट आ जाएगी सुशील वापस। सब आपकी वजह से हुआ है, मर गई सुशील। सत्या क्या हुआ, क्या तू ये बार बार क्यों बोलता रहता है? अरे क्या हो, क्या हो, क्या बोल रहा हूँ बाप, सुशील दादी ने जो बोला था उन्होंने कर दिया, अब तो आप खुश है ना? हो गए खुश? मर गए सुशील, बहुत खुश है ना आप? क्या गलती की वजह से मेरी सुशील मर गई? सिर्फ आपकी वजह से। अब सबसे दूर हो गई सुशील, सिर्फ आपकी वजह से। सुशील, सुशील, You are a murderer. पोस्टर सुशील का नहीं आपके लगने चाहिए। आपने मारा सुशील को, आपने मारा, आपने मारा मेरी सुशील को, आपने। क्या कर रहा है? मेरी बहनी कुछ नहीं क्या? मैं तुम्हें हेल्प करने की को। अरे हेल्प, बाद में नहीं, आपकी हेल्प, आपकी हेल्प के चक्कर में मेरी सुशील मुझसे चली गई, आपकी हेल्प के चक्कर में। चलो स्पाइडर शिकारी जी का मर गई सुशील, ले आओ मेरी सुशील को वापस। Oh,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।